गलत ट्रैक है मजा। टेम्पररी प्लेजर जिन चीजों से हमको मिलता है जो आगे जाकर के परमानेंट पेन में कन्वर्ट हो जाता है, मजा जिसके पीछे पूरी दुनिया भाग रही है, अंधी हुई पड़ी है, वो है गलत ट्रैक। जो भी आदमी अपने रास्ते से भटक गया है, जिसके पास जीने की कोई वजह नहीं है, मैं सिर्फ स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा, कोई भी आदमी, एक बिजनेसमैन है, उसको बहुत पैसा कमाना था, उसने बहुत पैसा कमा लिया, अब क्या करूं, कुछ करने के लिए नहीं है, तो क्या करेगा, मजे के पीछे जाएगा, कमा लिया मजे मार। एक स्टूडेंट है जिसके पास में कोई गोल नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, पढ़ने की कोई वजह नहीं है, कोई बहुत बड़ी वजह नहीं है पढ़ने की, वो क्या करेगा, बोलना मुझे मालूम, वो मजे अपने आप ही उसको अंदर उसके माइंड में, उसको पता भी नहीं लगता। अब ये मजा क्या है, एक बार इसको देख लिस्ट बनाते हैं। सबसे पहला मजा है नशा, कभी भी देखिए, जिसके पास में जीने की कोई वजह ही नहीं है वो क्या कहेगा, यार ढूंढना बड़ी कंफ्यूजन है, देखे नहीं सब भूल करके लेकिन ये मजा हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमें अंदर से खोखला करने वाला है, हमें बर्बाद करने वाला है। लेकिन अगर आपकी जिंदगी में कोई पर्पस नहीं हुआ तो ये मजा आपको अपनी तरफ आज नहीं तो कल खींच ले। पर्पस नहीं हुआ, गोल हुआ, गोल अचीव किया तो दारू, नहीं किया तो दारू, होता है या नहीं होता है, सोचो कितना खतरनाक है ये पूरा का पूरा जाल, इसे कैसे निकलेंगे, बिना किसी पर्पस के निकला ही नहीं जा सकता, क्योंकि बिना पर्पस के डिसीजन नहीं आता लाइफ के अंदर, कमिटमेंट नहीं आता। जिसके पास में कुछ जीने की वजह नहीं है, कुछ करने की वजह नहीं है, वो अपने आप से कमिटमेंट क्या करेगा कि मुझे ये काम करना है। जब तक वो कमिटमेंट नहीं करेगा उसकी माइंड की एनर्जी क्या करेंगी, इधर उधर भटक जाएंगी, हजार जगह पे चली जाएंगी, कहाँ जाएंगी, वहीं जाएंगी जहाँ पर उसको मजा आता है, और कहीं जा ही नहीं सकती। जहाँ पर मजा नहीं आता, चीजों में दर्द होता है, उन चीजों को छोड़ती चली जाएगी। आपका माइंड जिन चीजों में दर्द होता है, जैसे कि पढ़ाई, तो पढ़ाई को माइंड छोड़ दे, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज को माइंड छोड़ दे, कभी भी देख लेना जो ज्यादा ड्रिंक करता है वो कभी भी एक्सरसाइज करता हुआ नहीं मिलेगा। ये सब रियलिटी के ऊपर बेस्ड है, कोई इमेजिनेशन के ऊपर बेस्ड नहीं है, किसी किताब से पढ़ करके मैं ये सब बातें नहीं कर रहा, लाइफ को ऑब्जर्व करके ये सब बातें कर रहा, जो देख रहा हूँ वो बोल रहा हूँ सच, चाहे किसी को कड़वा लग रहा है, मीठा लग रहा है, क्या बात, मेरा काम है सच बोलना। और नशा सिर्फ सिगरेट का, शराब का या ड्रग्स का नहीं है, नशे बहुत तरीके के और भी, जिसके ऊपर मैं अभी आने वाला हूँ। दूसरा कहाँ ध्यान जाएगा, एक जाएगा नशे के ऊपर, दूसरा मजा कौन सा है जिसके पीछे पूरी की पूरी दुनिया भाग रही है, उसका ध्यान जाएगा सेक्सुअल प्लेजर। कौन कहता है मजा नहीं है, कौन कहता है मजा नहीं है, और अगर मजा नहीं होता तो हमारे देश की 100 करोड़ की आबादी कैसे होती। लोग कर क्या रहे हैं, एक स्टूडेंट की लाइफ की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा, जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा, स्टूडेंट की हिम्मत नहीं हो रही है बात बोलने की यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे और भी लोग बैठे हुए हैं। लेकिन जड़ क्या है प्रॉब्लम की, मैं वो समझ सकता हूँ क्योंकि मैं उस फेस से निकल चुका हूँ, समझ सकता हूँ कि साइंटिफिकली जब हमारी बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो क्या होता है, इस प्रॉब्लम के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। पेरेंट्स कह रहे हैं पढ़ो, टीचर्स कह रहे हैं पढ़ो, कोई ये नहीं बता रहा कि यहाँ से अपना ध्यान कैसे हटाए, कल्चर कौन सी संस्कृति, ध्यान से समझो क्या मैं बोलने वाला हूँ, मैं बुराई नहीं कर रहा किसी चीज़ की, मैं सिर्फ इतना सा कह रहा हूँ कल्चर बनता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। कल्चर जो बनता है, ट्रेडिशंस जो बनते हैं, वो बनते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग, सिचुएशंस कल्चर के अकॉर्डिंग नहीं बनती भाई। पहले वो बिल्कुल परफेक्ट था, उस हजार साल पहले वाले टाइम के हिसाब से, आज के हिसाब से कैसे भाई, कैसे लगाओगे इन सब बातों को यहाँ, आज के टाइम में कैसे अप्लाई करोगे। जब सेक्स करने के लिए आज से अगर हम पीछे चले जाएं, यदि 500 साल पीछे चले जाएं, तो अगर आप पेरेंट्स हो, आपको अपने बच्चों को इन सब गलत कामों में जाने से रोकना है, अगर इसको गलत कहें तो, इन सब कामों में जाने से रोकना है, तो आप क्या कर सकते थे, उसके हाथ पैर बांध करके उसको कमरे में लॉक कर दो, और जब शादी की है उसकी फटाफट से शादी करा दो, या चाइल्ड मैरिज करा दो ना, जरूरत ही क्या है, आगे बढ़ने ही मत दो उसको, फटाफट से चाइल्ड मैरिज, 5-6 साल का है चाइल्ड मैरिज कराओ, काम खत्म, उस टाइम के साथ वो ठीक था, आज आप कैसे रोको। और मैं सिर्फ सेक्सुअल प्लेजर्स उनकी बात नहीं कर रहा जो फिजिकल लेवल पे है, वो तो है ही है, एक मेंटल लेवल पे भी है, कि समबडी वॉन्ट्स टू डू दैट, आप रोक नहीं सकते अपने बच्चों को, उनके मोबाइल में, उनके लैपटॉप में, उनके कंप्यूटर में, उनको सिर्फ कुछ बटन दबाने हैं, और बटन दबाने के बाद में अपने दिमाग में जो वो चाहे वो कर सकते हैं, उनको कोई नहीं रोक सकता, उनको कैसे रोका जाएगा, कैसे रोकेंगे।
उससे बड़ी कोई पावर चाहिए उनको रोकने को, बल्कि रोका भी नहीं जा सकता उस माइंड को जो इधर जा रहा है, कोई और डायरेक्शन दी जाती है, इतनी बड़ी है कि इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, इसको रोका नहीं जा सकता, इसकी डायरेक्शन को चेंज किया जा सकता है, माइंड की एनर्जी इसको कहीं और लगाया जा सकता है। ये एक ऐसी पावर है जिसको डिजायर बोलते हैं, है डिजायर ही दोनों तरफ अगर आप ध्यान से देखो, जो भी मैंने अब तक कहा आज के सेशन में, है डिजायर ही, एक है कुछ पॉजिटिव करने का डिजायर, कुछ कंस्ट्रक्टिव करने का डिजायर, कुछ बनने का डिजायर, कुछ करते रहने का डिजायर, अपनी एनर्जी को बढ़ाने का डिजायर, और एक तरफ है अपनी एनर्जी को वेस्ट करने का डिजायर। एक डिजायर है जो आपको ऊपर उठा आगे ले जाए, परे ले जाए, धीरे धीरे यही डिजायर आपकी सबसे बड़ी पावर है, जो आज आपकी सबसे बड़ी वीकनेस है। और ये सिर्फ स्टूडेंट्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पे कोई भी वो आदमी जिसके पास में करने के लिए कुछ नहीं है, जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, उसका ध्यान इन्हीं चीजों की तरफ जाने वाला है, वो कहीं जा ही नहीं सकता, चाहे वो नशा हो, चाहे वो ये हो जिसके मैंने अभी बात करी, इस वर्ड को कहने में भी डर लगता है, सेक्स, वो हो, उसके अलावा और कहाँ जाएगा ध्यान? खाने के ऊपर जाएगा, खाने के ऊपर जाएगा। आज हमारे लिए एंजॉयमेंट का मतलब क्या है, शादी का मतलब क्या है? शादी में शादी के लिए कोई नहीं जाता, खाने के लिए जाते हैं। खाना जब तक आप पेट की भूख को मिटाने के लिए खा रहे हो तब तक वो अमृत है, और अगर खाना आप मन की भूख को मिटाने के लिए खा रहे हो तो वो जहर है। बॉडी ठीक काम नहीं कर रही, उसका माइंड किसी भी हाल में ठीक काम कर ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। यही बात बुद्ध ने भी कही थी आज से 2500 साल पहले, कि अगर हमको अपने माइंड को क्लियर रखना है, शार्प रखना है, फोकस रखना है, कंफ्यूजन को खत्म करना है, तो हमको अपनी बॉडी के ऊपर काम करना ही पड़ेगा, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। सही डायरेक्शन देनी है, वो एनर्जी जो खाने पीने में जा रही है उसको लगाना है एक्सरसाइज में, उसको लगाना है खेलने में, उसको लगाना है फिजिकली वर्कआउट करने में, कुछ करने में, अपने टेस्ट को धीरे धीरे बदलने में, वहां से हट करके मिर्च मसाले वाली ऐसी ऐसी जो चीजें हैं, तेल वाली और ये सब चीजें यहाँ से हटा करके फ्रूट्स में, वेजिटेबल में, ऐसी ऐसी चीजों में, हमें और ज्यादा नहीं बोलूंगा, नहीं कैसे लगे, न्यूट्रिशन की क्लास चल रही है। आगे बढ़ते हैं, ये मैंने आपको तीन चीजें बताई, और क्या है जिसमें मजा आता है? नींद, आलस। नींद अगर आप लिमिट में लो तो बहुत बढ़िया है, अमृत है, और जरूरत से ज्यादा लो तो जहर, जहर। और क्या है इसके अलावा? कॉमेडी। ये बात बड़ी अजीब लग रही है सुनने में, लेकिन ध्यान से समझना, बोलते हैं लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, सच है, बट मेडिसिन की भी एक लिमिट होती है। दो घंटा लग करके पढ़ाई करी, दिमाग का दही हो गया, उसके बाद में बैठ करके आप 15 मिनट के लिए कोई कॉमेडी वीडियो देख रहे हो इंटरनेट पे, वो तो ठीक है, लेकिन पूरा दिन बैठे बैठे बस कॉमेडी की तरफ ही घूमते रहो तो क्या होगा? व्हाट्सएप के ऊपर कॉमेडी, अरे वाह ये बहुत बढ़िया है, अरे ये बहुत बढ़िया है, अरे मजा आ गया, वाओ क्या बात है, ये वो कॉमेडी है एक थके हुए माइंड को रिलैक्स करने का, वो माइंड जो थका हुआ है उसको रिलैक्स करने के काम आती है कॉमेडी। बट इसी रिलैक्सेशन से अगर आप अटैच हो जाओ तो क्या होगा? बर्बाद कर देगी, समझो ये गोली की जैसी है, जो डिप्रेशन पेशेंट्स होते हैं उनको रिलैक्स करने की गोलियां दी जाती है, उनके माइंड को रिलैक्स करने की मेडिसिन दी जाती है। लाफ्टर भी ऐसी एक मेडिसिन है जो नेचुरल है, लेकिन वो भी खतरनाक है अगर जरूरत से ज्यादा आप इससे अटैच हो। अजीब लग रही है ना ये सारी बातें सुनने में, नॉर्मल बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग है। लोग क्या बोलते हैं, अरे हंसते खेलते रहो की फर्क पड़ता है, भूल जाओ। भूलने से कुछ नहीं होगा, सोने से कुछ नहीं होगा, हंसने से कुछ नहीं होगा, आपकी जो प्रॉब्लम की जड़ है वो वहीं की वहीं पड़ी हुई है, जड़ जो है वो वहीं की वहीं है। जड़ क्या है कि आपकी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं है, आपके पास में करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो खाली दिमाग शैतान का घर। तो करना क्या है? एक तरफ है मजा, एक तरफ है दर्द, इन दोनों के बीच में बैलेंस क्रिएट करना, कि सिर्फ ये करना है या सिर्फ वो करना है, नहीं, दोनों के बीच में बैलेंस क्रिएट करना है। अरे मैं भी मूवीज देखता हूँ, मैं भी बहुत कॉमेडी शोज देखता हूँ, मैं भी बहुत मजे करता हूँ, अपनी जिंदगी को खुल करके जीता हूँ, लेकिन साथ साथ में बैलेंस क्या है कि वो काम जो करना जरूरी है उसको करने के लिए जो मैं करना चाहता हूँ, चाहे उसको करने में कितना भी दर्द क्यों ना हो, उस दर्द को सहने के लिए मैं तैयार हूँ। लोग मजा तो चाहते हैं लेकिन दर्द सहना नहीं चाहते, ये जड़ है हमारी लाइफ की सारी सारी। चाहते तो हैं कि लाइफ में कुछ बड़ा कर जाएं, बहुत बड़े सक्सेसफुल हो जाएं, लेकिन उसके लिए जो दर्द सहना पड़ेगा, मतलब कि पढ़ना पड़ेगा या कुछ भी ऐसा करना पड़ेगा जिसमें कि आपको दर्द हो आपके माइंड को या आपकी बॉडी को, वो काम नहीं करना चाहते, और सक्सेस मिलेगी आपको वही काम करने से। तो क्या निकला आज के सेशन से, अगर मैं इसको सम अप करूं एक लाइन के अंदर अंदर, इस दुनिया में डिजायर से बड़ी कंस्ट्रक्टिव पावर और कोई नहीं। सब कुछ बदला जा सकता है अपनी जिंदगी में भी और इस पूरी दुनिया में भी, इस पूरी की पूरी दुनिया को एक नई डायरेक्शन दी जा सकती है उस डिजायर की।
अगर ये डिजायर सही डायरेक्शन में है तो, यही डिजायर अगर गलत डायरेक्शन में चला जाए तो इससे बड़ी डिस्ट्रक्टिव पावर भी इस पूरी दुनिया में होती है। जो लोग ऑलरेडी एक पर्टिकुलर एज पे पहुंच चुके हैं मैं उनके लिए नहीं बोल रहा, लेकिन आज यहाँ पर जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं जिनके आगे अपनी पूरी की पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, उनको ये फैसला करना होगा भाई, और आपके फैसले के ऊपर इंडिया का नहीं इस पूरी दुनिया का फ्यूचर डिपेंड करने वाला है। फैसला करोगे आप किसको चुनना है और किसको छोड़ना है, किसको लिमिट में करना है और किस तक जाना है, जिस तक जाने में डर लग रहा है उस डर को फेस करना है, उस दर्द को सहना है, कैसे? तो अंदर से सिर्फ एक चीज बोलते रहना है, सिर्फ एक लाइन कि मुझे जिंदगी में कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, कुछ भी हो रहा है मुझे करते रहना है, मुझे हार नहीं माननी, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, इसको छोड़ना नहीं, इसको पकड़ के रखना है। आसान है, बहुत आसान है, अंदर से जिस दिन आ गया ना कि मुझे कुछ करना है और वो करना भी आसान है, अरे तो कौन रोकेगा आपको भाई, बढ़ो आगे। मेरा टाइम गया, आपका टाइम शुरू।